हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ वेब एप्लीकेशन। तो देखते हैं कि वेब एप्लीकेशन होता क्या है। वेब एप्लीकेशन और वेब ऐप इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज़ मेड फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शंस। वेब एप्लीकेशन या वेब ऐप जो होते हैं, एक ही बात है। वेब एप्लीकेशन और वेब ऐप इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज़ मेड फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शंस। वेब एप्लीकेशन क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। वेब एप्लीकेशंस आर स्टोर ऑन सर्वर एंड आर एग्जीक्यूट ऑन वेब ब्राउजर व्हेन क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर इट। अब वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं? ये सर्वर पे स्टोर होती हैं और इन्हें हम अपने वेब ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसके लिए रिक्वेस्ट कर कर। मतलब आप आपके फ़ोन में कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो होता क्या है, आपने आपका वेब ब्राउजर ओपन किया, जो भी वेबसाइट आपको ओपन करना है उसके लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब उसे सर्च करेंगे, और वो वेबसाइट जो है वो आपके वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाता है, फिर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। तो सेम एज वेब एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो, वी कैन से दैट वेब एप्लीकेशन इज़ अ वेबसाइट। ओके, तो वेब एप्लीकेशन स्टोर होती है सर्वर पर जिसको आप आपके वेब ब्राउज़र में एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके लिए क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट भेजकर। लाइक अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन ऑल्सो प्रोवाइड एन एनवायरमेंट, लाइक द यूजर कैन एंटर एनी डेटा एंड इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट ही शी गेट डिफरेंट डिफरेंट टास्क दैट आर परफॉर्म। अब होता क्या है, जैसे हमने देखा कि वेब एप्लीकेशन क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, तो दूसरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जैसे वेब एप्लीकेशन भी आपको एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप डेटा एंटर करेंगे और अकॉर्डिंग टू योर डेटा वेब एप्लीकेशंस जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करके देगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपने जॉब सर्च करने का वेबसाइट है कोई जिसपे आप जॉब सर्च कर रहे हो, ओके, तो आप आपका बायोडाटा एज अ इनपुट डेटा दे रहे हो उसको, और अकॉर्डिंग टू योर डेटा वो आपको डिफरेंट डिफरेंट सजेशंस देगा आपकी डिग्री आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये अगर कोई वेब एप्लीकेशन बनी है, कोई वेब साइट बनी है जिसके अंदर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो एज आ आप एंटर करेंगे आपका डेटा और अकॉर्डिंग टू योर डेटा आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क मिल रहे हैं। तो कुछ वेब एप्लीकेशंस जो होती हैं, कुछ वेबसाइट्स जो आप देखते हैं जिसके अंदर आप डेटा एंटर कर पाते हैं, वो वेब एप्लीकेशंस होती हैं। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेब एप्लीकेशंस इन विच सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आर इन्वॉल्व। अब वेब एप्लीकेशंस जो होती हैं वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करके बनी होती हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ा था कि क्या होता है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से वेब एप्लीकेशंस बनी होती हैं जिसके अंदर सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इन्वॉल्व होती है। और क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, जो आप आपके स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन किया तो जो आप देख पा रहे हो, जो आप को सामने डिज़ाइन दिख रहा है, जो भी आपको फ्रंट पेज दिख रहा है, वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से यूज़ करके बनी होती है जिसमें HTML और JavaScript इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे हमने अगर किसी बटन को क्लिक कर कर ये टास्क परफॉर्म होना चाहिए तो उसके बैकएंड पे क्या हो रही है प्रोसेस, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज़ करके बनी होती है जिसमें PHP और ASP आती है। ASP इज़ अ एक्टिव सर्वर पेज। तो देखा वेब एप्लीकेशन क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बना होता है, ये सर्वर पर स्टोर होता है जो कि आप आपके वेब ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके लिए रिक्वेस्ट भेजकर। अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह वेब एप्लीकेशन भी एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें यूज़र डाटा एंटर कर पाता है और एज अ आउटपुट वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है। वेब एप्लीकेशन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करके बनती है जिसके अंदर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इन्वॉल्व होती हैं। समझ आया क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, और वेब एप्लीकेशन समझ आया कि क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।